हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज बात करूँगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 29 की, श्लोक नंबर 29 की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक नंबर 26 में कहा था कि यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो हे महाभाव, तुम्हें शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे थे कि आत्मा ऐसी होती है, वो अजन्मी होती है, वो कभी जन्म नहीं लेती है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो पहले से थी, वो रहेगी, इसको विनष्ट करने का कोई भी उपाय नहीं है, इसको बनाने का कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन अर्जुन को ये बातें समझ में नहीं आती। तो जब हमने श्रीमद्भगवद गीता को हमने जब पढ़ना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में उसको मूर्ख कहा, नपुंसक कहा, बड़ी बेइज्जती उसकी करते। लेकिन अब क्या हुआ अचानक से कि अब वो कह रहे हैं कि चलो तुम्हारी बात ही हम मान लेते हैं। कि अर्जुन, जब अर्जुन को उनकी बात समझ में नहीं आई भगवान कृष्ण की, और आती भी कैसे, हमको भी समझ में नहीं आती। ये लोग अगर मैं भगवद गीता के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ तो वो भी पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि बातें नॉन इंटरेस्टेड हैं। नॉन इंटरेस्टेड कैसे हैं, क्योंकि ये लोगों को नहीं चाहिए, ये आत्मा का ज्ञान लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 29 में जोक कर रहे हैं अर्जुन के साथ, उसका मजाक बना रहे हैं कि आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। अर्जुन की बड़ी मजाक वो यहाँ बना रहे हैं। अर्जुन वहाँ बैठा और रो रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने आत्मा के बारे में अर्जुन को समझाया लेकिन अर्जुन की कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने अर्जुन से बात कही और बेइज्जती तो अब अर्जुन की हो रही है। वो क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण को लगता था कि जब मैं अर्जुन को बताऊंगा, उसको समझाऊंगा तो उसको कुछ मिलेगा, वो अपने अज्ञानता के तलों को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर वो उठ सकता है, ज्ञानियों के तल में आ सकता है। लेकिन वो केवल विद्वान ही बना रहना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण समझते थे कि वो ज्ञानी हो जाएगा ये मेरी बातें सुन के, लेकिन वो अभी विद्वान ही बने रहना चाहता है। विद्वान और ज्ञानी में कभी यह फर्क होता है, ज्ञानियों के पास अपना ज्ञान होता है, उनके पास बोरोड ज्ञान नहीं होता, उधार का ज्ञान नहीं होता, किताबी ज्ञान उनके पास में नहीं होता, उन्होंने जीवन को गहराई से समझा होता है, बड़े भीतर से समझा होता है। और विद्वान जो होते हैं उन्होंने किताबें रटी हुई होती हैं, वेद शास्त्र रटे हुए होते हैं, गीता रटी हुई होती है, दोनों चीज़ में ये फ़र्क है। तो अब जितनी बेइज्जती अर्जुन की महाबाहु कहकर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और उसकी मजाक बना के कर रहे हैं, उतनी बेइज्जती मेरी समझ में उसको मूर्ख कहकर, निपट गंवार कहकर, उसको नपुंसक कहकर भी नहीं हुई जितनी उसकी बेइज्जती अब उसको विद्वान वाली कैटेगरी में रखकर हो रही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समझते थे कि अर्जुन ये समझ लेगा कि जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब भगवान श्री कृष्ण 29 में कह रहे हैं कि कोई इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है। मैं भी जब ये बात मैं करता हूँ तो लोग बड़े आश्चर्य से उसको सुनते हैं कि यार तुम आत्मा की बात कर रहे हो। आत्मा को जानने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा, और भीतर झांकने की फुर्सत किसको है? बाहर की चीज़ें देखने से फुर्सत मिले तो आदमी भीतर झांके। करोड़ों करोड़ों में से कोई एक आदमी, एक हिम्मतवर आदमी आत्मा की तरफ चलता है, ऊपर उठा के नज़र को देखता है, परमात्मा की तरफ
वो अपनी आंखें उन्मुख करता है, बाकी सब तो धरती पे ही देख रहे हैं, बाकी सब तो माया को ही देख रहे हैं। करोड़ों करोड़ों में से केवल एक हिम्मतवर आदमी, केवल एक हिम्मतवर आदमी आत्मा की तरफ देखता है, और उन एक आदमियों में से करोड़, उन करोड़ों एक आदमियों में से कोई एक आदमी परमात्मा को समझ पाता है, आत्मा को समझ पाता है। क्योंकि जब हम वस्तुओं को छोड़ते हैं तो विचार में उलझ जाते हैं। आत्मा जैसी चीज ना तो विचारों में आपके आएगी, ना ख्याल में आपके आएगी, ना सत्संग में जाने से आपको आएगी, ना पढ़ने से वो आपको आएगी, ना समझने से आपको आएगी, ना वो जानने से आपको आएगी। केवल जब सारे विचार आपके समाप्त हो जाएंगे, विचारों के बाद जो भी शेष बचता है उसको आत्मा कहते हैं। क्योंकि आत्मा विचार के भी परे है, ये आपके मन के भी परे है, ये आपके माइंड के भी परे है, ये आपकी बुद्धि के भी परे है। बुद्धि के पार यदि आप जा सकते हो तो ही इसको आप जान सकते हो, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है इसको जानने का, इसको समझने का। तो यही आश्चर्य की बड़ी बात है कि लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनको बाहर की चीज़ों की तरफ धकेल देते हैं, कभी उनसे ये प्रश्न नहीं पूछते, या कभी वो खुद से ये प्रश्न नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, जबकि ये प्रश्न तो बहुत बेसिक प्रश्न होना चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आदमी खुद कभी ये नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म से पहले मैं क्या था, मृत्यु के बाद मैं क्या हो जाऊँगा। और करोड़ों में से अगर एक आदमी भी ये पूछता है अपने आप से तो लोग उसको पागल कहते हैं। हाँ, पागल हैं वो लोग जो आत्मा के संबंध में जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, इच्छा रखते हैं। पागल हैं वो लोग जो परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं, परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हैं। विचारों से नहीं पाया जा सकता है, विचारों के बाद आप इस तरह समझ लीजिए जैसे कि समुंदर है और समुंदर के ऊपर लहर है। समुंदर हो गई आत्मा और उसकी लहर हो गई विचार, तो समुंदर नीचे है और लहर ऊपर है। लहरों से कभी भी समुंदर को नहीं जाना जा सकता, हाँ, लेकिन समुंदर से लहरों को जाना जा सकता है। आत्मा विचार को जान सकती है लेकिन विचार आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा विचारों के परे है। आत्मा से हर चीज को जाना जा सकता है। तो यही सबसे बड़ी आश्चर्य की यहां बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को तो चाहिए कि मुझे यहां से निकालो, मुझे इस दुविधा से बचाओ, मुझे इस युद्ध भूमि से निकालो, कोई पलायन का कोई रास्ता बताओ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण समझाने बैठ गए उसको आत्मा, तो कहां सुनने वाला था। मैं भी यहां बता रहा हूं आपको कि आत्मा क्या चीज होती है, आत्मा कैसा काम करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आदमी को वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसकी ज़रूरत होती हैं, और आत्मा तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्यों चाहिए होगी। हुआ ऐसा कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लोगों को, मैं वही चीज़ें बेचने बाहर निकला हूँ, तो वो मुझसे क्यों लें, वो मुझसे ख़रीदारी क्यों करें, वो तो नॉन इंटरेस्टेड रहेंगे उन चीजों में। किसी को भी इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं आएगा, और यदि आएगा तो मिसकंसेप्शन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सत्संगों में जाके उनका कंसेप्शन खत्म हो गया है। कई लोग मेरे से बहस करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं फिर तो, कि फलाना श्लोक में ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने सरासर झूठ बोला है। वो कहते हैं नहीं, कि भगवान श्री कृष्ण झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आपके गुरु झूठ बोल रहे होंगे, कोई एक तो झूठ बोल रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे गुरु भी झूठ नहीं बोल सकते। मतलब बीच में फंसे हुए हैं, वो बीच में वो कन्फ्यूज हो गए हैं लोग, ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, या तो गुरु की बात माने या भगवान श्री कृष्ण की बात माने। अब आपको तय करना है कि बात आपको किसकी माननी है, अपने गुरु की बात माननी है या भगवान श्री कृष्ण की बात माननी है, जो कि समस्त सृष्टि के गुरु हैं, आपके गुरु के भी गुरु हैं। क्या उनकी बात आपको माननी है या केवल अपने गुरु की बात आपको माननी है। मैं नहीं कहता कि गुरु आपसे झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता है कि वो आपसे छुपा रहे होंगे कुछ बातों को, लेकिन अगर सारी चीज़ आपको बता के चलें तभी आप बढ़ सकते हो। आप सोचो कि मान लीजिए
आपने अपने बच्चों को 1 से 10 तक गिनती याद करा दी, लेकिन आपको लगता है 10 से लेकर 100 तक गिनती बहुत मुश्किल है, तो क्या सारी उम्र उसको बच्चों को नहीं पढ़ाओगे आप? क्या उन गिनतियों से आप बचा लोगे, 11, 12 से बचा लोगे बच्चे को? क्या ऐसा करके आप उसके भविष्य खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? ऐसे ही यदि आपके गुरु आपसे सत्य छुपा रहे हैं, तो क्या वह आपके जीवन के साथ, ये जो अनमोल जीवन आपको इस जन्म में मिला है, क्या उसका तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? वाकई में वो कर रहे हैं। तो अर्जुन तो चाहता है पलायन, और भगवान श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं आत्मा क्या चीज होती है, ना मरती है ना मारा जा सकता है उसको। तो अर्जुन को ये बात नॉन इंटरेस्टेड लगी, जैसे आप लोगों में से कुछ को लगती है। चलिए अगली बार हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 30 की, और आने वाली भगवद गीता बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इसमें अपने जीवन का पूरा ज्ञान मिलने वाला है, आपकी सभी चिंताएं दूर होने वाली हैं। परमात्मा सभी का भला करे।